स्वागत है आपका अमिता ब्लॉग एंड रसोई चैनल पर। आज हम बनाएंगे आंध्रा स्टाइल सांबार। सांबार की रेसिपी को फ्रेंड्स पूरा वॉच करें, पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है जो कि हमने गैस में बिठा दिया है। फ्रेंड्स ये जो रेसिपी बन रही है, ये जो सांबार है, ये 2-3 लोगों के लिए नहीं है, ये कम से कम 100 लोगों के लिए बन रही है। तो यहाँ पर हमने तेल को गर्म करके इसमें डाला है जीरा, राई, साबुत लाल मिर्च। अच्छा से जीरा और राई को चटक आने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज, और हम डालेंगे हरी मिर्च। इनको हम भून लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा रेसिपी बन रही है, पर सारे रेसिपी मैं यहाँ पर सूट नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने सिर्फ सांबार को आपको आप सबसे शेयर किया है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे वेजिटेबल। वेजिटेबल आप अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। हमने डाला है गाजर, बैंगन, आलू और ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक को ज़रूर डालें, उससे सांबार का टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालेंगे। दाल को हमने पहले से उबाल के रखा है। अरहर दाल को हमने पहले से प्रेशर कुकर में उबाल के साइड में रख दिया है। तो यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे घी। इसमें हम घी डाल रहे हैं, घी डालेंगे। और ये है एक मसाला जो कि सांबार मसाला। इसमें है धनिया, जीरा, मेथी, सब कुछ भून के हमने इसमें पाउडर बना लिया है, वो हम इसमें डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये है ड्राई कोकोनट पाउडर, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये पाउडर डालने से भी सांबार का जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। साइड में जो है ना, यहाँ पर चटनी भी बन रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर टमाटर भी हमने डाल दिया है। सब कुछ अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये है इमली का पानी। इमली का पानी को हम इसमें डालेंगे। साथ में हमने इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला है। फ्रेंड्स वो स्किप हो चुका है, तो कोई बात नहीं, आप गुड़ ज़रूर डालें सांबार में। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पानी डालेंगे। जब तक सब्जियाँ पक नहीं जाता तब तक हम इसको उबालेंगे। ये है सांबार मसाला। अब हम भुना हुआ जो कि उबला हुआ दाल है, उबला हुआ दाल को हम डाल देंगे। तो हमने इसमें उबला हुआ दाल को डाल दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसे 5 से 7 मिनट तक उबाल आने देंगे, अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पर हमारा सांबार जो है तकरीबन हो चुका है। फ्रेंड्स ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा? बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पर हमने डाला है करी पत्ता, धनिया पत्ता चॉप किया हुआ, इन सबको डाल के हम अच्छे से उबालेंगे और हमारा जो यहाँ पर दाल है, सांबार है, वो बनकर तैयार है। धन्यवाद फ्रेंड्स।